स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल S2T में। आज के हम शो में जाएंगे जिसे रॉकेट मंडे का नाम दिया गया है, और आज हम आपके सामने लाएंगे कि SpaceX एक स्टार्टअप कंपनी इतनी बड़ी हो कैसे गई एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो चलिए आइए उसके बारे में देखते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये लोग यार सक्सीड हो कैसे गए, मतलब कर क्या रहे। तो आपको कुछ चीज़ इनके बारे में आपको बहुत पहले से समझना होगा। जैसे आपको ये समझना होगा ये अपनी प्रॉफिट लॉस पब्लिश नहीं करते, ये पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब आप इसे स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। जैसे आप एप्पल के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के खरीद सकते हैं, आप इस कंपनी के नहीं खरीद सकते। तो बेसिकली ये कंपनी प्रॉफिट लॉस के ऊपर चली गई है, और यहाँ पे इनके पास गवर्नमेंट का कोई हेडेक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल इफिशेंसी पे नहीं चलती है। इसको आप समझिए इस तरह से, हमारे इसरो के पास काफ़ी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इसरो नहीं जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के पास और बोले कि मेरे को एक बहुत बड़ा रॉकेट बनाना है। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा जितना यूज़ है उतने का बनाओ। और ये आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स के लिए लॉन्च व्हीकल बने हुए, एक बड़ा व्हीकल नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस टाइम का प्राइम मिनिस्टर के पास गया उस टाइम बोला भाई इतना ही बजट में जो करना है करो। तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ना होना, अब आप कहोगे नहीं अमीर गवर्नमेंट के पास अलग बात हो सकती, नहीं, ये नासा का बहुत भारी नुकसान हुआ था स्पेस शटल बनाने के चक्कर में, जो कि एक तो पहले बनाना ही नहीं चाह रहे थे, दूसरा स्पेस शटल का साइज़ जो उसका पेलोड कैपेसिटी था उसका एक डायमेंशन दिया गया कि ये साइज़ में बनाओ, और वो साइज़ नासा उसका आधा रखना चाह रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई भी चीज़, मतलब जो मॉड्यूल्स लगाए गए हैं उसका वज़न 15 टन भी नहीं छू रहा है, जो सबसे भारी वजन है वो भी किसी तरह 15 टन छू रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि US मिलिट्री का एक सब ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझिए पेंटागन के लेवल पे है, उन्होंने बोला नहीं मेरे को इतना बड़ा दे दो। उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी लॉन्चेस खरीदे नहीं उसके लिए, लेकिन नासा बर्बाद हो गया उसके चलते। और ये समझिए इन जब ये कंपनी बनाई गई थी इसका एक गोल था मार्स जाना है, काम खत्म, बीच में कुछ है ही नहीं, मतलब इनका सीधा गोल था मार्स जाना है। तो आइए देखते हैं इनकी फिलॉसफी क्या है। मार्स इनका टारगेट है, इलॉन मस्क मार्स पे जाना चाहते हैं, मार्स पे कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं। तो आप समझ रहे इनके पास एक बहुत अच्छा सीधा साधा क्लियर गोल है, इनको चांद पे नहीं जाना है, इनको कहीं और नहीं जाना है, इनको मार्स जाना है। ये बहुत ज़रूरी है एक किसी भी कंपनी के लिए, अगर एक क्लियर कट गोल मिल जाए रास्ते निकल आते हैं। और इनका जो मोटो था क्या, मतलब तो सोच से लाए थे, इनका था कि भाई बड़ा बनाओ नहीं तो घर जाओ, और ये इनके लिए बहुत बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ, ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। और ये इफिशेंसी में काफ़ी सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, इन्होंने पेपाल बनाया था पहले जो कि ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन करता था, और ऑब्वियसली काफ़ी इफिशेंट ऑलरेडी था, तो इनके पास एक सिलिकॉन वैली जिसको कहा जाता है उसका एक अंडरस्टैंडिंग था कि इफिशेंसी काफ़ी मैटर करती है। तो इन्होंने इफिशेंसी अपने कंपनी में ऐसे लाया कि सारे रॉकेट के पार्ट्स जनरली अलग अलग जगह पे असेंबल करके सब असेंबलीज लाई जाती है। तो जैसे आपको स्पेस शटल बनाना है तो एक कंपनी है जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर बना रही है, एक कंपनी है जो शटल ऑर्बिटर बना रही है, एक कंपनी है जो फ्यूल टैंक बना रही है, ये सबको आप एक जगह पे लाओगे और उसके बाद असेंबल करोगे। इन्होंने बोला भाई उस समय बहुत खर्चा हो जाता है, इन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास गए, जैसे मैन्युफैक्चरर जो मदरबोर्ड बना रहा है या चिप बना रहा है या जो भी कंपोजिट टैंक बना रहा है या टर्बो पंप बना, उनको बोला कि भैया आप सब एक जगह पे दो, इसको कहते हैं वर्टिकल असेंबली लाइन, बेसिकली इन्होंने सब चीज़ एक जगह पे किया। तो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ का, सिवाय मतलब फ्यूल टैंक और मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स का ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, लेकिन सारी चीज़ को एक जगह पे लाके ये असेंबल करते हैं। इससे पैसा बहुत 3 से 4 गुना सस्ता हो जाता है, सीधे सीधे 3 से 4 गुना सस्ता। और एक बहुत कोर फिलॉसफी आपको समझनी होगी, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, ये इलॉन मस्क का कहना है, और इफ़ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। अब मतलब इसका ऐसा समझिए, एक काफ़ी लोगों की कहावत है इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर नहीं मतलब काम कर रहा है तो मत छेड़ो, और ये उसके उल्टे हैं, मतलब काम कर रहा है अरे कुछ और करो, थोड़ा सा उसको और इम्प्रूवमेंट करो, खराब हो गया कोई बात फिर से इम्प्रूव करो। और ये बहुत बड़ा ब्लैक एंड वाइट टाइप का अंतर है। गवर्नमेंट मतलब अगर गवर्नमेंट को आपने दिखा दिया कि ये रॉकेट मैंने बनाया है, गवर्नमेंट उसको बोलती है डिज़ाइन फ्रीज करो, मतलब अब इसके डिज़ाइन में छेड़छाड़ नहीं करोगे, डिज़ाइन फ्रीज कर दिया बस चलो काम खत्म, मतलब अब हो गया, और ये उसका उल्टा है। तो अब हम इनका आपको सीक्रेट बताना चाह रहे हैं,
यहाँ पे हम जो रॉकेट्स दिखाए हैं, यह है फाल्कन 1 जो इनका पहला रॉकेट था, यह है फाल्कन 9 जो कि नॉर्मली यूज़ होता था, यह है फाल्कन 9 फुल थ्रस्ट, यह काला फेयरिंग आप देख सकते हैं, फेयरिंग नहीं मतलब इंटरस्टेज, एंड यह है फाल्कन हैवी जो अभी तक यूज़ नहीं किया गया, इससे मतलब सिर्फ डेमो फ्लाइट की गई है, यूज़ नहीं हुआ है। तो आप ये सब रॉकेट देखिए, इतने सारे रॉकेट हैं, कई सारे पीसेस हैं, फाल्कन हैवी सिर्फ एक पीस है लेकिन बाकी सारे के कई सारे पीस बनाए गए हैं। तो आप सोचिए कि हुआ कैसे कि इसमें सारे चीज़ में एक ही चीज़ है जो इनका सुनहरा अंडा है, बेसिकली गोल्डन गूस। तो इन सारे रॉकेट्स का एक कोर एस्पेक्ट जो है वो है मर्लिन रॉकेट इंजन। ना यहाँ पे स्पेस एक्स का अप्रोच पैसा इनके लिए छापना शुरू कर दिया। इन्होंने एक सीधा आइडिया लिया कि भैया हम अपर स्टेज और लोअर स्टेज जो कि मतलब रॉकेट जनरली स्टेजेस में होते हैं के लिए सेम इंजन यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल आप ये समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सैटर्न 5 के केस में लोअर स्टेज में 3 स्टेज के रॉकेट थे, लोअर स्टेज के रॉकेट में किरोसिन और ऑक्सीजन यूज़ किया गया, मिडिल वाले स्टेज में भी किरोसिन और ऑक्सीजन यूज़ किया गया, और उसके बाद वाले में किरोसिन और हाइड्रोजन यूज़ किया गया क्योंकि ज़्यादा इफिशियंट होता है स्पेस के लिए। और इंजन्स अलग अलग थे, F1 इंजन बेस पार्ट के लिए यूज़ किया गया और अलग अलग इंजन अलग अलग पार्ट के। इन्हें बताइया उससे बहुत खर्चा होगा, एक छोटी कंपनी थी, कुछ ही लोग थे, 12-13 लोगों ने स्टार्ट की थी, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास पैसे की भरमार नहीं थी जो नासा या कोई भी और कंपनी पास होते। इन्हें बोला एक इंजन बनाओ जो सब काम कर सके। तो आप बोलोगे यार ऐसा तो थोड़े हो सकता है कि तुम एक इंजन बनाओ जो सब चीज़ करें। तो इन्होंने क्या किया, मॉड्यूलर डिज़ाइन पे काफ़ी मेहनत किया, इन्होंने बोला एक इंजन बनाओ जिसका इतना ऑपरेशनल रेंज हो कि इससे इस तक काम कर सके, और हम लोअर स्टेज में 9 पीस लगाएंगे, अपर स्टेज में 1 पीस लगाएंगे। तो आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे हो जाता है कि मतलब इतना घटा रहे हैं। तो इंजन रॉकेट इंजन के बारे में आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये एटमॉस्फेयर पर काफ़ी अफेक्ट करता है। जब आप रॉकेट का लॉन्च देखेंगे तो आप इनका देखेंगे ट्रेल बड़ा सीधा एक पेंसिल के तरह एकदम सीधा रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊंचाई बढ़ती जाती है, फैलते जाते हैं, तो फैलने से इनका ये होता है इफिशियंसी घट जाती है। लेकिन स्पेस में तो आप जान ही रहे हो, अगर ये ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में ऐसे फैल जा रहे हैं तो स्पेस में तो सीधे फ्लैट ही हो जाएंगे। तो उसके लिए स्पेस में नोजल को बदला जाता है। जो आप ये इंजन देख रहे हैं, ये है इंजन और ये है नोजल। ये इंजन सेक्शन इन्होंने सेम रखा है, इंजन सेक्शन दोनों में सेम है, थोड़ा सा मतलब इंजीनियरिंग चेंजेस है ऑब्वियसली, लेकिन ओवरऑल सेम चीज़ है। और उन्होंने नोजल को ये साइज से लेके इसका 10 गुना बड़ा नोजल डाला है स्पेस वाले में, ताकि ये स्पेस में ठीक से काम कर सके। और इस तरह से इनको मतलब बेसिकली इन्होंने एक इंजन बनाया जो हर जगह काम कर सकता है। अब इस इंजन के बारे में देखते हैं। इंजन में आपको ये समझना होगा कि आप सीधे ऑक्सीजन और किरोसिन डाल दोगे, इंजन कुछ करेगा नहीं, बस जल जाएगा। तो आपको जलने से थ्रस्ट चाहिए, अगर आपको थोड़ा प्रेशर चाहिए, थोड़ा पावर चाहिए जो रॉकेट को उठा सके, कई 100 टन के चीज़ को उठा सके, तो उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं टर्बो पंप। टर्बो पंप का काम यही है कि भैया इसको घुमा के फुल प्रेशर करो, जैसे टर्बो चार्जर कार में होता है। तो टर्बो पंप को घुमाने के लिए एक चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है जैसे गैस जनरेटर कहते हैं, जिसका एग्जॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कर क्या रहा है, बहुत सिंपल काम कर रहा है, ये आपका किरोसिन ले रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डाल दे रहा है और उसको जला रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, एक तो तापमान कम रहे, कि अगर फुल 1:1 रेशियो में अगर आप बर्न करते हैं, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही किरोसिन डालेंगे, तो टेम्परेचर 3000 डिग्री पहुंच जाएगा, कोई भी मेटल इस टेम्परेचर को आसानी से नहीं बर्दाश्त कर सकता। टेम्परेचर कम करने के लिए या तो आप जरूरत से ज़्यादा किरोसिन डालिए जिसमें धुआं निकलेगा, या तो जरूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन डालिए। नाउ ये बदल भी सकता है और डिज़ाइन बाई डिज़ाइन बदली भी जाती है और इस पर कंट्रोल डाला जा सकता है। तो उसके जो एग्जॉस्ट हैं वो आप बाहर सीधे निकाल दे रहे हो सीधे। नाउ इस एग्जॉस्ट को आप चेंबर में डाल सकते हो, लेकिन उससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी, लेकिन डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि बैक प्रेशर बन गया अगर तो आपका टर्बो पंप काम करना बंद कर जाएगा, रॉकेट सीधे फेल हो जाएगा। तो इन्होंने एक सस्ता इंजन लिया है, ये डिज़ाइन काफ़ी जगह यूज़ किया गया, कोई नया डिज़ाइन नहीं है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक डिज़ाइन पर मैन किया और इस डिज़ाइन को रिफाइन किया। और बाकी किसी कंपनी ने क्यों इस तरह नहीं, इससे बेटर डिज़ाइन के इंजन है, ये तो ओपन साइकिल है, क्लोज साइकिल इंजन भी आती है। सवाल ये है कि इनके पास एक ही बनाया जो हर जगह यूज़ कर सके, इन्होंने मास प्रोडक्शन का बेनिफिट लिया और हर बार चेंज करते गए। इन्होंने डिज़ाइन फ्रीज को तो छोड़ ही दिया, मतलब मर्लिन के अभी मर्लिन 1D चल रहा है, ABCD पे चले गए हैं ये लोग, मतलब
छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स भी ये लोग करते हैं और रुकते नहीं है। मतलब इनको दिखा कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तुरंत मार रहे हैं, सट से मार रहे हैं। और इनका एक थोड़ा सा अलग यूनिक अप्रोच है कि हर रॉकेट इंजन जो है वो मूव करता है, थोड़ा दाएं बाएं होता है ताकि रॉकेट को इधर उधर ना होने दे, उसे गिम्बलिंग कहा जाता है। ना गिम्बल करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको हाइड्रोलिक से पहले किया जाता था, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो टर्बोपंप से ही फ्लूइड निकाल के किरोसिन जनरली उसको डाल के हाइड्रोलिक्स में चला रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हाइड्रोलिक्स के लिए अलग से सिस्टम नहीं डालना पड़ रहा है इसको। और ये समझिए किरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। नाउ हाइड्रोजन यूज़ करना काफ़ी इफ़िशेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगी, लेकिन उसका पावर बहुत कम होता है। आप इसको ऐसे समझिए, इसका लिफ्ट पेलोड कैपेसिटी और स्पेस शटल का पेलोड कैपेसिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन स्पेस शटल अपने आप से टेक ऑफ भी नहीं कर सकता था, उसके लिए उसको सॉलिड बूस्टर चाहिए था क्योंकि वो लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ कर रहा था। जनरली लोअर स्टेज के लिए अगर आपको पावर चाहिए, जनरली किरोसिन सबसे बेस्ट होता है, तो किरोसिन इन्होंने चुना, लिक्विड ऑक्सीजन तो चुनना ही था। तो ये सारे डिसीजन लेके इनका एक डिसीजन कि हम एक ही इंजन बनाएंगे जो हर जगह यूज़ करेंगे। पहला, इन्होंने सबसे पहला पैसा बचा लिया। दूसरा, हर बात बात पे इन्होंने इंजन से अपग्रेड करते चले गए। इनके इंजन अभी वन ऑफ दी वर्ल्ड्स बेस्ट में गिना जाता है। सो आप देख सकते हैं इनका इस तरीके से चलना कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ। हमारी इसरो ऐसा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट बोलते भैया तुमने डिज़ाइन बना के दे दिया, उसमें छेड़ो मत, डिज़ाइन फ्रीज जिसे कहा जाता है। अब इनके बारे में बहुत चीज़ अफवाहें भी हैं, कुछ ज़्यादा ही लोग भावनाओं में बह जाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये स्लाइड स्पेसिफिकली बनाया है। इसमें मिथ्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये बहुत प्रॉफिटेबल है। चलो बोलते हैं अरे स्पेस की कंपनी है, खूब पैसा छाप रही है। नहीं, ये पब्लिक में है ही नहीं, तो आप देख ही नहीं सकते ये प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। दूसरा, ये लोग पहले थे जिन्होंने फिगर आउट किया कि रॉकेट को रॉकेट के ही इंजन से लैंड कराएं, वो नहीं है, क्योंकि डगलस ऐसा ही नाम है उनका, मैकडोनल्ड्स DCX रॉकेट जो बनाया गया था, ये टेस्ट साइट था, ये फुल स्केल रॉकेट नहीं था, लेकिन ये टेस्ट के लिए बनाया गया था। और आइडिया ये था कि भैया क्या ऐसा किया जा सकता, और ये इन्होंने 1993 में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद पॉलिटिक्स घुस गया और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, बट ये SpaceX ने वालों ने नहीं ईजाद किया ये आइडिया का कि हम रॉकेट को प्रोपल्सिवली लैंड करेंगे। वो पहले पैराशूट यूज़ करना चाह रहे थे, नहीं काम हुआ। और उसके बाद अब ये समझेंगे ये नहीं, पर लॉन्च जैसे इन्होंने 60 या $65 मिलियन में लॉन्च कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं हो रहा है, उनसे ज़्यादा ULA कमा रहे हैं। ULA 30 से 40 मिलियन पर लॉन्च तक कमा सकता है, और ये बेयरली 4 से 5 मिलियन, वो भी होप कर रहे हैं क्योंकि ये पता है प्रॉफिट लॉस सीधे दिखा नहीं सकते मार्केट में। दूसरा, लोग कहते हैं ये लोग मार्स पे जाएंगे, मार्स पे ये लोग नहीं जा सकते, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय रॉकेट के, इनके पास कुछ नहीं है। मार्स पे जाने के लिए आपको हैबिटेट चाहिए, आपको एस्ट्रोनॉट्स चाहिए, आपको काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो सारी टेक्नोलॉजी नासा कर रही है, और नासा खरीद सकती है इनसे। BFR जो इनका बड़ा रॉकेट अब बनाने की कोशिश की जा रही है, वो खरीदा जा सकता है इनसे। इनके पास सीधे लोग आके बोल सकते हैं भैया हमें BFR दे दो, नासा आके बोल सकता है हमें BFR का राइड बुक करना है, या कोई और देश का जैसे मान लो चाइना बोल सकता है भाई हमें BFR का दो, एक BFR दो, हम अपने लोगों को बेचना चाहते हैं, मतलब जो भी है। लेकिन ये लोग नहीं जाएंगे, SpaceX नहीं जाएगा, SpaceX के रॉकेट यूज़ किए जाएंगे लेकिन SpaceX खुद नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए इनका BFR बहुत पीछे चल रहा है शेड्यूल से, तो सीधे नासा अपना SLS यूज़ कर लेगा। नाउ एक, लेकिन इसके बारे में अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि लोग कहते हैं कि भैया अगर रॉकेट लैंड कराते हो तो उससे काफ़ी नुकसान होता है पेलोड कैपेसिटी का, मतलब पेलोड कैपेसिटी अभी कम हो जाती है ना। यहाँ पे मैंने जो बोला उन्होंने गो बिग और गो होम, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन्होंने रॉकेट जो बनाया है ये 20 टन लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाता है, इक्का दुक्का चीज़ भी उतना वजन का नहीं है। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल चीज़ निकला कि उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि अगर लॉस भी कर रहे हैं कि हाँ भैया 22 टन्स नहीं भेज सकते, तो लॉस करने के बाद भी इनके पास 10 टन बच जा रहा है, दैट इज़ इफ़ दे लूज 50% डायरेक्टली, तो वैसा तो हो ही नहीं रहा है। और इन्होंने अपने इंजन जो डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन का इन्होंने पेलोड फिक्स कर दिया, अब इंजन का ये पावर बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत भारी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, इसरो का सैटेलाइट लॉन्चर नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक लगभग 6 से 7 टन के बीच का एक सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला, उसके बाद भी इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेज बूस्टर को लैंड करा लिया कि भैया इतना ओवर बिल्ड करने का इनको फ़ायदा आया है। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन, हमको लगता है कि आपको शायद अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं भी लगाओ कोई बड़ी बात नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, हम तो डेली वीडियो बनाते हैं, और कमेंट कीजिए कि आप किस भी टॉपिक पे, जो कि मेरे 5 दिन में से किसी भी टॉपिक में मैं आपको शामिल कर सकूं।
और हमेशा मेरे शो को देखने के लिए धन्यवाद।